और देख सकते हैं दोस्तों छिंदवाड़ा में आपका स्वागत है। मतलब मैं छिंदवाड़ा पहुंच चुका हूं। अब यहां सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है इसके, देखते हैं सर्किट हाउस अगर हमको अलॉट हो पाता है या नहीं हो पाता है, बात करके देखना पड़ेगा। अगर अलॉट हो जाए तो बढ़िया यार, बोलेंगे दो दिन के लिए अगर अलॉट करते आज नाइट और कल नाइट के लिए, कोशिश ज़रूर करेंगे। बाकी सब ऊबर वाले के हाथ में, जो वो चाहते हैं वैसा हो, गुरु के हाथ में सब चीज़ें। आपको बता दूँ छिंदवाड़ा एक हिल स्टेशन जैसा भी लगा है, ठंडी भी तगड़ी पड़ती क्योंकि पहाड़ी एरिया है, पहाड़ में बसा हुआ है। यहाँ से नागपुर भी लगभग लगा हुआ है, 130-140 किलोमीटर नागपुर पड़ जाते हैं, मतलब एकदम बॉर्डर लाइन है महाराष्ट्र का ही। अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों तो देखिए पहाड़ है, वो उस पर पूरा छिंदवाड़ा बसा हुआ है, हाइटेड जोन है। मतलब ये देखिए औद्योगिक क्षेत्र लहगुडुआ कुछ लिखा है आपका, जो है लहगुडुआ कुछ है। यहाँ पर अभी छिंदवाड़ा कलेक्टेड आया हुआ है मैं परमिशन लेने के लिए SDM सर से, और जब यहाँ पे आया तो मुझे एक नया चीज़ देखना, क्योंकि अभी आप लोग को पता है हमारे छत्तीसगढ़ में MP एक साथ में इलेक्शन होने वाला है, नवंबर दिसंबर के बीच में इलेक्शन होगा और लगभग 2 महीने के बाद यहाँ पे आचार संहिता लग जानी। तो इस बीच में जब आया था यहाँ पे अधिकारीगढ़ बैठे थे जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे जो डेमो क्लासेस चल रही है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताया। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे लोग मेंटलिटी ये रख लिए कि मतलब कि वोटिंग मशीन से सेटअप होने लगा है, मतलब वोट का हेरा फेरी होने लगा, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे डेमो रखा गया है कि अगर आप जो भी बटन करते हैं आपसे ये मशीन रहेगा, आपको इसमें दिखाई देगा कि सेम उस जगह पर वोट पड़ रहा है, मतलब उस जो आप प्रतिनिधि चुन रहे हैं उसको वोट जा रहा है या नहीं जा रहा है। मैं आपको डेमो करके बताता हूँ, सपोज दैट मशीन हम यहाँ से आपको वोट इशू करेंगे जी, यहाँ पे ये देखिए ये एक मशीन है, यहाँ पे जब इस बटन को पुश करेंगे तब मैं अच्छा बैलेट स्विच बोला जाता है उसको, तब मैं यहाँ पे अप्रूवल करवाऊंगा कि यहाँ पे मैं बटन दबाऊँ। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे हमने रेड सिग्नल दब गया, ओके बैलेट इशू होगा, बैलेट इशू हो गया ग्रीन कलर का, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे लाइट ऑन हो गया, आपको मतदान करना है जी जी जी, बिल्कुल यहाँ सिर्फ डमी के लिए रखा है, वास्तविक मतदान अलग रहेगा जो दिखाई नहीं देगा। हाँ तो यहाँ पे रहेगा, अब जैसे कि सपोज दैट मानिए मैं HHSN को दबाता हूँ, देखिए दोस्तों ये रेड सिग्नल होगा और यहाँ पे देखिएगा सेम वही चीज़ शो करेगी HHN, ये देखिए ये चीज़ें। तो ये चीज़ें यार पारदर्शिता हर चीज़ में ला, ये बहुत अच्छी मुहिम है और लोगों को भी एक बार आकर इस चीज़ को सीखना चाहिए, अपने मन में जो एक मनगढ़ंत लोग गलत थिंकिंग बना रखे हैं उसको खत्म करनी चाहिए। चलिए दोस्तों कोशिश करता हूँ मैं SDM सर से मिलने की, क्योंकि बहुत थक चुका हूँ, अगर अलॉट कर देते हैं मुझे स्टे एक दिन के लिए तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप लोग से मिलूंगा। फ्रेंड्स अभी जब मैं आप लोग से मिला था तो मैं एक्चुअली कलेक्ट्रेट में था, वहाँ पे संयुक्त कलेक्टर मैडम से बात चल रही थी, और अभी के डेट में वहाँ से क्या है जो रेस्ट हाउस से टूट गया है सर्किट हाउस से वो बुक है पूरा टोटल, तो जगह नहीं मिल पाई तो मुझे वहाँ से भेजा गया कि एक मुख्य यहाँ पे MP में चलता है एक योजना मुख्यमंत्री आश्रय करके, एक आश्रम ही है तो वहाँ हम पीछे बैग देख सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ ये अदर जैसे नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। यहाँ पे जो संचालिका है ये मैडम जी है यहाँ पे, तो यार ये अच्छा हो गया, सही जगह मिल गया, आराम से आप नाइट स्टे करूँगा, वहाँ कोई रिस्क भी नहीं है। और अभी मैं चल रहा हूँ थोड़ा सा घूम के आता हूँ, कुछ यादें पुरानी मेरी जुड़ी हुई छिंदवाड़ा से, तो उसको एक बार से गेट टुगेदर हो जाएगा और फिर आके उसके कल मॉर्निंग में निकल जाते हैं। आज नाइट में आके मैम से ही पूछेंगे कि और कौन कौन सी जगह है अभी छिंदवाड़ा में घूमने के लिए, चलिए चलते हैं आपको दिखा। दोस्तों अभी मैं छिंदवाड़ा के फेमस गुलाबरा रोड में हूँ, मैं तो इस रोड में आया था, यहाँ कहीं पर पानीपुरी की एक स्टॉल लगती थी, वहाँ खाया करता था और यहीं से शक्ति नगर जाते थे। तो सोचा कि चलो आज रेड में आज चलता हूँ, तो चलो मैं आपको एक बार, बहुत सक्रिय थी रोड और आज भी वैसी सक्रिय रोड, लेकिन वैसी ही रश बढ़ती है यहाँ पे दोस्तों, टोटल भीड़ लगी रहती है, थोड़ी देर बाद और भीड़ लगी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ स्कूटी के व्यू से, ये रही यार गुलाबरा सिटी, यहीं कहीं पर एक अवधेश भैया हुआ करते थे, मैं उनके पास ट्यूशन पढ़ने आया करता था, अब तो पता नहीं वो कहीं बाहर से आके यहाँ रेंट पर रहा करते थे तो अब नहीं रहे, लेकिन चलिए चलते हैं हम आज भक्ति नगर भी चलेंगे, यहीं कहीं पे लगा करती थी ये गुलाबरा, और उस टाइम अलग था लेकिन हाँ एक मंदिर जैसा कुछ था, ये बिल्कुल ये मंदिर है दोस्तों यहाँ पे, और इससे दूसरे तीसरे नंबर गली पे मैं रहा करता था, वो यादें मैं जीने के लिए आया हूँ फिर से, बचपन की मेरी यादें हैं इस जगह में, और कुछ फ्रेंड्स सर्कल थे, अब तो पता नहीं यहाँ हैं या नहीं हैं। यही वो जगह थी दोस्तों जहाँ मैं क्रिकेट खेलता था, अब तो कॉलोनी बन गई, काफ़ी कुछ बदल गया, इस जगह में क्रिकेट खेला करते थे, पता नहीं अब कितना दौर गुजर गया ये, तो चलिए देखते हैं पता करते हैं। फ्रेंड से मिल के जस्ट मैं अभी आ रहा था, तब जब मैं इनके इतना बड़ा था तब यहाँ था, तो मैं दिखाता हूँ मैं किनके इतना बड़ा था, ये देखो तो छोटे छोटे बच्चे, इनके इतना बड़ा था तब मैं यहाँ रहता था, मैं खेलता था
अब काफ़ी दिन बीत गया यार, तो मुझे अच्छा लगा जब इन लोगों ने मुझे कॉल किया, मतलब आवाज़ दिया पीछे से, तब मैं रुका, फिर इनसे कुछ बातें हुई। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को जी रहा हूँ 18 साल के बाद में। तो थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने मुझे नोटिस किया, बहुत मुझे आप लोग से ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि आप लोग से बात की। क्या क्या नाम, एक बार नाम बताओ आप लोग। मेरा नाम कृष्ण है, इसका नाम मयंक। दोस्तों जब मैं बहुत छोटा था तब छिंदवाड़ा में मैं एक स्कूल में पढ़ा करता था, DHS नाम से वो स्कूल हुआ करता था। अभी मैं दोस्तों उसी स्कूल के अंदर हूँ और आज मुझे बिल्कुल नहीं बदला। ये जो हॉल देख रहे हैं दोस्तों, इसी में रह के मैंने एग्ज़ाम दिया था उस दौर में, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और इस जगह में मैं, मतलब अंधेरा है अभी, लाइट ज़्यादा जल नहीं रहा है, तो आसपास में रह के हम लोग यहाँ पे प्रेयर चलता था। इसका नाम था DHS स्कूल छिंदवाड़ा। काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है सच बताऊँ तो यहाँ पे आकर, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, लेकिन लाइट है नहीं तो घूम नहीं पा रहा हूँ। लोग बोलते थे कुछ लोग अलग अलग कि यहाँ पे इस बिल्डिंग में भूत है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं था बचपन में, ऐसे जानते बच्चे लोग बोलते हैं ऐसा तो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग रहते थे और दोपहर तक हमारी पढ़ाई चलती थी, उसके बाद घर जाते थे, बहुत मज़ा आता था यार, अच्छा लगा यहाँ पे। कम से कम मैं सोचा ही था एक बार यहाँ जाऊँगा छिंदवाड़ा, तो इस स्कूल ज़रूर आऊँगा। और मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ पे एक सिंह सर थे शायद, या कुछ भूल रहा हूँ, तो वो मतलब प्रिंसिपल हुआ करते थे हमारे दौर में। चलो यार यहाँ से चलते हैं, लाइट रहता तो मैं और घुमाता, लेकिन एक बार हॉल देखते हैं। हॉल में यहाँ पे देखिए पूरे साइकिल फिटिंग चल रही है अभी इस हॉल में। इस हॉल में हम लोग बैठ के, मैं यहीं कहीं पे, बिल्कुल यहीं कहीं पे मेरा चेयर लगता था, यहाँ बैठ के मैं एग्ज़ाम देता था। तो ये यादें, अब तो यहाँ पे पूरा सबको सेटअप यहाँ पे रख दिया गया है, सब साइकिलें आई हैं, टायर है, मतलब साइकिल असेंबल किया जा रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे दे दिया जाएगा। चलिए हम लोग भी चलते हैं। ये यादें हॉल के साथ बहुत ताज़ा है मेरी, बहुत ही ज़बरदस्त है। चलो दोस्तों चलते हैं आगे, यहाँ से निकलते हैं और छिंदवाड़ा घूमते हैं। एक चीज़ तो यार, हर इंसान अपना बचपन फिर से देख जीना चाहता है, और ठीक वैसे ही मैं, मुझे भी जब मैं स्कूल दे अभी मैं DHS स्कूल गया, तो आपको सच बता रहा हूँ जैसे ये स्कूल पहले था ठीक वैसे ही ये स्कूल आज भी है। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और एक चीज़ ये मैं इंपॉर्टेंट आपको बात बता दें, कोई दर्शनीय स्थल नहीं होता यार, अपने हमारी जो यादें जिसके साथ सेट हो जाती है, जिसके साथ हम बन जाते हैं, वही हमारे लिए दर्शनीय स्थल हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अभी के डेट में ये क्या डेवलप हो चुका है, कहने का मतलब एक मॉल बन गया, तो मैं वो मॉल घूमने के लिए आया हूँ। चलो एक बार देखते हैं, बहुत दिन हो गया मॉल घूमते, लेकिन आप लोग नहीं देखोगे ये मॉल, सिर्फ मैं देखूंगा और उसके बाद आप लोग से थोड़ी देर बाद मॉल होगा यहाँ पे। और मॉल है भी, लेकिन सेम वही कंडीशन है बिलासपुर जो श्री में, वैसी है वहाँ पे भी फुटवेयर और क्लॉथेस मिलते हैं। यहाँ जब मैं आया तो रिटर्न हो रहा था, मैं सोचा था मल्टीप्लेक्स जैसे जी मॉल और अपना मैग्नेटो मॉल के जैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे। भले ही यहाँ पे MP का सबसे बड़ा जिला है ये, लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ा मिल गया, MP के सबसे बड़े जिले से भी बड़ी चीज़ मिल गई मुझे, यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ के लोकल छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया वाले बंदे मिल गए। भैया एक बार नाम बताएंगे भैया? विवेक दास। पूरे इतने बड़े मॉल को मैनेज करते हैं विवेक दास भैया जी, अच्छा लगा और बहुत अच्छे से कॉपरेट किया। मज़ा आता है यार जब बाहर में अपन को कोई अगर हमारे लोकल मिल जाते हैं, तो लगते नहीं कि हम किसी परदेश में, लग रहा है मैं अभी भी लोकल अपने देश में हूँ। ठीक है यार, भैया के लिए दुआएं हैं कि यहाँ पे हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। भैया आप लोग भी रोशन करें अपनी हिंदी का, बहने आप भी रोशन करें, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है भैया से अलविदा लेके निकलता हूँ मैं। फिर पापा का प्यार, हमारी स्कूटी यहाँ लगी हुई है, हमारे पापा का प्यार। यार आप मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे हो कि आज एक्चुअली मुहर्रम में मैं छिंदवाड़ा में, और बहुत ही ताम झाम, देखिए ऊपर देखिए ज़बरदस्त तरीके से यहाँ डेकोरेशन करके रखा है, बहुत बड़ा क्राउड है यहाँ पे, और पीछे भी कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे फंक्शन होने वाला है, मुझे नहीं पता है। और मैं यहाँ पे आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि मेरा तो मेन मोटो यार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो बहुत अच्छा लगा कि आज के डेट पे इस टाइम पे मैं यहाँ पे आया। मैंने प्रसाद भी खाया है, मेरे को वहाँ पे प्रसाद दे रहे थे, मैं बिल्कुल शौक के साथ मंग के खाया, प्रसाद बढ़िया था कुछ। ये देखिए फंक्शन की गई है यार यहाँ पर, और इस फंक्शन का मोटो भी वही है चिनू टंडन ब्लॉग। यहाँ पे कुछ अभी कुछ फंक्शन होगा, लोगों की भीड़ यहाँ पे लगी। आपका नाम क्या है? जानू। ओके, सब छोटे छोटे बच्चे लोग आए, बहुत ताम झाम के साथ यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं अब, हम वीडियो आते रहेगा। Okay.